दोस्तों, क्या आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी ख़राब हो गई है और अभी आपके पास उसे चेंज करने का बजट नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसे लगाने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी भर बैटरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये बैटरी की जगह पे मैंने पहले से इस जुगाड़ को लगा के रखा है। अब हम ये जो हमारी मोटरसाइकिल है उसको चालू करके देखेंगे। तो ये हमारी बाइक चालू हो गई, अब इसमें हॉर्न हम बजाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हॉर्न कम्प्लीटली बज रहा है और ये फ्यूल इंडिकेटर भी सही तरीके से वर्क कर रहा है, और आगे ये जो हेडलाइट और साइड लाइट है वो भी सही तरीके से वर्क कर रही है। अब दोस्तों, मैं आपको पीछे जो हमारी साइड लाइट और ब्रेक लाइट है वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये पीछे की साइड लाइट और ब्रेक लाइट भी सही तरीके से वर्क कर रही है। वैसे दोस्तों, ये जुगाड़ हमारा बैटरी की तरह काम करता है, लेकिन ये बैटरी जितना महंगा नहीं है, ये सिर्फ 60 रुपये में तैयार हो जाता है और ये लाइफ टाइम तक चलता है। इसे बैटरी की तरह बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अब इसको बनाते कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस जुगाड़ को बनाने के लिए हमें 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेड के 5 कैपेसिटर लेने हैं। हम 5 की जगह पे 1 कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 कैपेसिटर में कम पावर स्टोरेज होगा, जिससे कम रेस में यानी कि इंजन के कम आरपीएम में हॉर्न ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 या 5 कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है। इसके 1 कैपेसिटर की प्राइस 20 रुपये है, तो हम 3 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा 60 रुपये में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, और अगर हम 5 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये 100 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों, इसमें हम 5 से ज़्यादा कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। समझ लो कि इसमें हम 10 कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग 200 रुपये तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों, डुप्लीकेट बैटरी हमें 300 रुपये में मिल जाती है, तो इससे अच्छा हम बैटरी क्यों ना खरीद लें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें 3 या 5 कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होते हैं, जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव और जो बड़ा टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, वैसे दोस्तों, जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे व्हाइट पट्टी में माइनस का निशान दिया होता है, तो इससे हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की पहचान कर सकते हैं। अभी सभी कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो चलिए मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, सभी कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए उनके टर्मिनल को इस तरीके से आगे से मोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों, कैपेसिटर के मैंने नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव टर्मिनल को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें फटाफट सोल्डर कर देता हूँ। वैसे दोस्तों, इस छोटे से जुगाड़ में हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि कभी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव में कनेक्ट नहीं करना है और कभी नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों, ये हमारा सोल्डर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला कैपेसिटर है उसके 2 टर्मिनल है उसमें 2 छोटे वायर कनेक्ट करेंगे, ताकि जो हमारी बाइक के सप्लाई के वायर है उसके साथ इस वायर को हम आसानी से कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये देखिए, मैंने कैपेसिटर के 2 टर्मिनल में 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव वायर है उसको हमें बाइक के पॉजिटिव वायर में कनेक्ट करना है, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव वायर है उसको हमें बाइक के नेगेटिव वायर में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके कनेक्शन करके देखते हैं। ये देखिए, बैटरी में लगे ये 2 वायर को बैटरी में से निकाल के इस कैपेसिटर में कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट ये बैटरी में से इसके कनेक्शन निकाल देता हूँ। दोस्तों, जब मोटरसाइकिल चालू होती है तब लगातार ये जो 2 वायर है उनमें से 2 से 4 वोल्टेज जितना पावर निकलता रहता है, इसी पावर से ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं और फिर ये हमें वापस आउटपुट पावर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये पावर भी चेक करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मोटरसाइकिल को चालू कर देता हूँ। तो ये हमारी मोटरसाइकिल चालू हो गई। अब ये जो हमारा मल्टीमीटर है उसको मैं डीसी वोल्टेज पे सेट करके ये जो 2 वायर है उसके बीच में मैं वोल्टेज चेक करूँगा। तो ये देखिए, ये 2 वायर के बीच में 3.5 से 4 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इन्हीं वोल्टेज से हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, तो दोस्तों, जब ये हमारा इंजन चालू होगा तभी ये हमारे कैपेसिटर वर्क करेंगे। अगर हमारे गाड़ी का इंजन बंद होगा तो ये हमारे कैपेसिटर वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करेगा, तो शुरुआत में आपको होंडा किक से ही चालू करनी होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये कैपेसिटर का नेगेटिव वायर है उसको हमें बाइक के नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है, तो इसको मैंने ये कनेक्ट कर दिया। और अब ये जो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव वायर है उसको हमें बाइक के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, तो इसको भी मैंने ये इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए मैं अब बाइक को चालू करके देखता हूँ। तो बाइक को मैंने चालू कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हॉर्न है वो जैसा बैटरी में बजता है वैसा ही हॉर्न इस कैपेसिटर से बज रहा है, और हमारी जो साइड लाइट, हेडलाइट और जो हमारी ब्रेक लाइट है वो भी कम्प्लीटली वर्क कर रही है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमारी बैटरी में वर्क करती है वैसे ही ये हमारी लाइट जो हमारे कैपेसिटर है उससे वर्क कर रही है। ठीक है, और ये फ्यूल का इंडिकेटर है वो भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये कैपेसिटर कितने आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं वो हम मीटर से चेक करके देखते हैं। ये कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज 14 के करीब निकाल रहे हैं। तो अब मैं आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ कि ये वोल्टेज कम होते हैं कि नहीं होते। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हम हॉर्न बजाते हैं तो इसमें ये वोल्टेज कम नहीं होते। तो दोस्तों, बैटरी की जगह पर हम अगर ये कैपेसिटर लगाते हैं तो ये हमारी बाइक के लिए बिल्कुल सेफ़ है, इससे हमारी बाइक को कोई नुकसान नहीं होगा।
तो आप ये बिना टेंशन के इसको अपनी बाइक में लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसे बाइक में लगाना है तो इसे इस तरीके से पीवीसी टेप से पूरा इंसुलेट कर देना है ताकि इसके कॉन्टैक्ट एक दूसरे में शॉर्ट ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।